नमस्कार, वंदना जोशी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बगारिया भात कच्ची केरी के साथ। तो ये मैंने दो कच्ची केरी ली है, इसको छील लिया है, इनको कद्दूकस करेंगे। और ये धनिया है, हरा धनिया, ये पुदीना है, और ये हरी मिर्ची है, और ये केरी है, ये खड़ा धनिया है, ये राई है, ये जीरा है, ये थोड़ी सी लाल मिर्च काली मिर्च पाउडर है, ये कसूरी मेथी है, और ये मैंने चावल को पका के रखा है। तो अब चलिए, अब हम बनाते हैं बगारिया भात कच्ची केरी का साथ। अब मैंने गैस जला दी है और कढ़ाई में ये एक चम्मच मैंने घी डाला है। ये शुद्ध घी के चावल बने हुए हैं, इसलिए घी से ही मैं बगाड़ूंगी। आप चाहें तो तेल से भी बगार सकते हैं। तो अब ये चावल गर्म हो जाएंगे, तब हम इसमें तड़का लगाएंगे। और ये मैंने केरी को कद्दूकस करके रख लिया है। इतने चावल में बस ये दो छोटी केरी सफिशेंट है। ये एक चम्मच खड़ा धनिया लिया, इसको मैं मसल के रख लेती हूँ, फिर जब बघार आएगा तब फिर मैं बघार में इसको डालूँगी। तो खड़ा धनिया जो है इसको ऐसे मसल के ही डालना चाहिए, तो वो अच्छा रहता है। घी गर्म हो गया है, अब इसमें मैं थोड़ी सी राई डाल रही हूँ, थोड़ा जीरा डाल दिया, और ये मैंने खड़ा धनिया डाला जो मसल के रखा था, और ये हरी मिर्ची डाली, ये हरी मिर्ची डाल देती हूँ, ये कड़ी पत्ता डाल दिया हमने, और ये इसमें ये केरी डाल दूंगी। अब इसको हम थोड़ी देर सेक लेंगे। अगर चावल ज़्यादा बच गए हैं और बच गए हैं, तो आप इस तरह से ये कच्ची केरी का फ्लेवर डाल के और बना सकते हैं। बस ये है कि जितने चावल हैं उस हिसाब से केरी लेना चाहिए। अगर ज़्यादा कच्चा आम डाल देंगे तो वो खट्टे खट्टे चावल बुरे भी लगते हैं, इसलिए हिसाब से ही डालना चाहिए। केरी वगैरह भी जो भी फ्लेवर आप डालें तो वो हिसाब से डलता है, तो अच्छा लगता है। अब हम इसमें चावल डालेंगे, अब इसमें चावल डाल रहे हैं। मैं हल्दी नहीं डाल रही हूँ इसमें, आप चाहे तो हल्दी भी डाल सकते हैं, पर मैं अभी हल्दी नहीं डाल रही हूँ। अब मैं इसमें काली मिर्च का आधा टीस्पून काली मिर्च पाउडर डाला है। और आंच को मैंने धीमा कर दिया है। अब ये एक चम्मच के करीब मैं नमक डाल रही हूँ। चख के देख लेना चाहिए, जैसे पहले कम ही डालना चाहिए नमक, अगर ज़्यादा हो जाता है तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, खारा खारा बुरा लगता है। ये स्वाद अनुसार ही नमक डाला है मैंने। और वैसे आप इसको शुद्ध घी में बगारेंगे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और ऐसे तेल में भी आप बगार सकते हैं। अब इसमें मैं हरा धनिया डाल रही हूँ, और ये थोड़ा सा पुदीना, ये देखिए हमारे बगारिया भात कितने अच्छे तैयार हो गए हैं। और अगर चावल भी बच जाते हैं आपके पके हुए चावल, तो आप अभी केरी के दिन चल रहे हैं, तो आप इसमें थोड़ी सी एक दो केरी डाल के और इसको इस तरह से आप बना सकते हैं। तो यदि आपको मेरा ये बगारिया भात केरी का साथ वाला वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और ये कसूरी मेथी भी डाल रही हूँ।
कसूरी मेथी से स्वाद बहुत अच्छा आ जाता है, इसलिए मैं भूल गई थी, इसलिए आपको अभी बता रही हूँ कि कसूरी मेथी डाल दे अगर हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं, ऑप्शनल है ये।